दीदी आप मेहनत मत करो, मैं बताता हूँ निधि चौधरी कौन है। निधि चौधरी है एक एडवोकेट, निधि चौधरी है एक यूट्यूबर, एक कंटेंट क्रिएटर, फैशन ब्यूटी स्पिरिचुअलिटी लोआ ओकुल्टा एस्ट्रो वास्तो टैरेट पैरेट लाउड मतलब मल्टी टैलेंटेड है। इन शॉर्ट ज्ञान की बातें देती है, इस सबसे तुम्हें पता लग रहा होगा, लेकिन क्या ज्ञान की बातें देती है और कैसे देती है हम निधि चौधरी के बारे में ये देखेंगे। वाओ, मेरी आवाज को थोड़ा सा ना इग्नोर कर देना, थोड़ा सा गला बैठ रखा मेरा। ओके, क्या आपका बाथरूम बहुत ज्यादा गंदा रहता है? रहेगा ही रहेगा ही, क्यों नहीं रहेगा। आपकी एस्ट्रोलॉजी वाली वीडियो जो देख रहे बच्चे, चल गया। वहाँ से बदबू आती रहती है, फर्श गीली रहती है, कीड़े मकोड़े चलते रहते हैं, तो इससे ये हो सकता है कि आपके घर में राहु दोष है। तेरा इतना सा भी ध्यान है साले? Oh, no. तेरे में शर्म है लौंडे? इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रही है हाइजीन से रिलेटेड और इसका सारा ध्यान है कि, अरे भाई क्या बोलूं मैं लौंडे, गंदा है तू, गंदा छी, गंदा आदमी, गंदा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। तो इसलिए राहु दोष को कम करने के लिए आप अपने बाथरूम को साफ सुथरा रख सकते। बाथरूम तो साफ होता रहेगा निधि जी, आपके राहु के हेतु पर ध्यान दीजिए, वो पल्लू के करके चुप कर बे कुत्ते। तो ये हमारी निधि जी, निधि चौधरी, ये इंस्टाग्राम के ऊपर पहले भी कॉन्टेंट डाला करती थी, लेकिन क्या है ना कि इनको धीरे धीरे समझ आया कि नॉलेज से कुछ फायदा थोड़ी है। इन चूतियों को इंस्टाग्राम पे जो पूरा दिन ऐसे बैठे हैं, इनों को कुछ वैल्यूएबल बताकर कोई फायदा नहीं है, इनों को वैल्यूएबल दिखा के फायदा। गंदा है तू, गंदा छी। अगर आपकी कोई चीज फंसी हुई है, और ये हमारी नीति जी, नीति जी पहले इस टाइप के कपड़े पहनकर वीडियोस बनाया करती थी, लेकिन क्या है ना कि अब सोशल मीडिया का जो वो है ना, सोफिया अंसारी ने इतना तगड़ा बार सेट कर दिया ना सोशल मीडिया के ऊपर कि ऐसे कंटेंट बनाकर थोड़ी फेमस हो गए, तो तुम्हें कुछ अलग चीजें करनी पड़ेंगी, और वो तुम्हें पता ही है, मतलब लड़कियों के लिए तो ऐसा सा हो गया है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक वरदान टाइप ही हो गया है, क्लोज छोटे व्यूज बड़े। ये बढ़िया था गुरु। सक्सेस के लिए साउथ डायरेक्शन होता है और साउथ को रूल करता है मार्स, तो आप किसका ध्यान जा रहा है मेरे को तो ये समझा दो पहले कि ये सक्सेस के लिए जो भी किसका ध्यान जा रहा है, सारे के सारे बच्चों लौंडे जो भी है, 1% भी ऐसा कोई नहीं होगा भाई जो ये नॉलेज सुनने आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात इनको भी पता है, उसके बावजूद इनकी कुछ इंटरव्यूज में ऐसी ऐसी बातें बोलती है। उसके बारे में मैंने कल गूगल पे सर्च किया, गूगल न्यूज में निधि चौधरी एस्ट्रोलॉजर, तो वही पुरानी वाली न्यूजें आई। अच्छा। कि ब्लाउज पहनना भूल गई है इसलिए लोगों ने ट्रोल किया। अच्छा, ये क्या है उनकी सोच है, मैं क्या। एक तो ये बहुत सही चीज है भाई, ये बहुत सही चीज है, मतलब जिस लड़की के ऊपर तुम थोड़ी सी टिप्पणी कर दो ना सोशल मीडिया के ऊपर, अगर वो ऐसे वल्गर चीजें डाल रही है, अगर वो थोड़े से भी ऐसे अजीबोगरीब कपड़े डाल रही है, तो उनकी सबसे पहली स्टेटमेंट ये निकल कर आती है, लोगों की सोच है, सालों की आंखें गंदी है, नजरिया गंदा। अरे ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपको खुद ही पता है आप क्यों कर रहे हो ये सब कुछ, व्यूज इसी से आएंगे ना, तो उसमें कोई बुराई भी थोड़ी है, ठीक है वो आपका नजर, आप करे चलो, तो मैं तो खुद मुंह पर बोलता हूँ, मैं तो इसलिए आपके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ भाई, ठीक है आप क्रिंज हरकतें कर रही हो, मेरे को रोस्ट मटेरियल लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो आप भी डंके की चोट पे बोलो ना कि हाँ भैया मेरे को पता है ऐसे कपड़े पहनने से, साड़ी को थोड़ा सा पल्लू इधर करने से व्यूज ज्यादा आते हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, इट्स हर चॉइस। फिर न्यूज साइट पे ये खबर बन गई, कैसा उस समय क्या रिएक्शन था आपका? कुछ भी नहीं, ठीक है बोल रहे हैं, मैं तो ऐसे ही रहती हूँ। हाँ ठीक है, मतलब कई लोग पूछते हैं ना हाँ क्या हो गया, मेरा ऐसा नहीं है, मैं मम्मी ने कुछ नहीं बोला, नहीं कुछ नहीं बोला, सब ऐसे ही रिलैक्स, और सबसे ज्यादा मैं रिलैक्स रहती हूँ। मम्मी ने बोला क्या, बस इतना पूछा कि क्या है, मैंने बोला लोगों को बड़ी पसंद आ रही है वीडियोस। नहीं पसंद वीडियोस नहीं मैडम, पर्टिकुलर कुछ अलग ही चीज पसंद आ, वीडियोस पसंद नहीं आ रही है मैम, मम्मियाँ हो रही हैं भोली, हमारे टाइम की मम्मियाँ सब भोली हैं, ये जो हमारी जनरेशन है ना, ये आंटी, ये निधि दीदी होगी, हम लोग हमारे मम्मियाँ बहुत शरीफ, और ये शायद आखिरी मम्मियों का सेट है जो शरीफ निकल रहा है, इसके बाद अब वाली शरीफ नहीं रहेंगे क्योंकि निधि जैसी हैं, उन्हें पता ही नहीं, उन्होंने बस ये देखा होगा अच्छा न्यूज़ वगैरह में, आगे बच्चे करते क्या हो निधि आप, मम्मी पूछो मत, बस वायरल हो रही हूँ, मज़ा आ रहा है, फेम आ रहा है, पैसा आ रहा है, मम्मी खुश, उन्हें समझ ही ना आया भाई कि किस चीज़ की वजह से आ रहा है। वैसे देखा जाए तो हमारी मम्मियाँ थी, हमारे पापा थे जो बेल्टों से सूत रहे हैं, बेलनों से सूत रहे हैं भाई, जस्ट बिकॉज नंबर का मारे हैं, ट्यूशन से घर आने में लेट हो गया, अब वालों को मार ही नहीं रहे, अब वालों को मार क्यों नहीं रहे भाई, इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है, पसंद आ रही है तभी तो देख रहे हैं ना, तुम अगर इतना हेट करते हो तो तुम देखते क्यों? बहुत सारी मम्मियां बोलेंगी कि ये तो गंदा है। गुड क्वेश्चन, सबकी मम्मियां ये बोलेंगी ये तो गंदा है। यूट्यूब पे भी निधि ना पहले अच्छी अच्छी वीडियोस ही डालती थी, ठीक है, मेकअप से रिलेटेड और बढ़िया व्यूज आ रहे थे, लेकिन वही चक्कर है ना आजकल ना, हमारे हिंदुस्तान अजीब ही हो गया भाई, कंज्यूम ही चूती ये सब चीजें कर रहे हैं ऑडियंस, तो जो क्रिएटर है ना वो भी एक टाइम के बाद ना फेड अप हो जाता है, कहता नहीं यार पूरे कपड़ों में बना रहा हूं तो कद्दू इज्जत नहीं मिल रही है, कपड़े छोटे कर दो, सारा व्यूज अप चले जाते और चले जाते, जिसकी वजह से ये इन सब चीजों में उतर जा रहे। मेरे को तुम्हारा कुछ करना नहीं है,
बस मुझे देख कर अच्छा लगता है। कई लोग बोलते हैं कि उनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, किसी की बुरी नजर लग गई है, तो उसके लिए क्या करें? तो देखिए, सबसे पहले तो उसके बारे में सोचना और बात करना बंद कर दीजिए। आप जितना उसके बारे में बात करेंगे, सोचेंगे, आप उसकी पावर्स को और बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। थोड़ा सा कमेंट सेक्शन पर नजर मार लेते हैं। निधि जी को लगता है कि उनके नॉलेज देखने, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने, सुनने के लिए आती है ना यहाँ पर ऑडियंस, तो थोड़ा सा देख लेता सच में। आप मेरे ऊपर कर दिया हो, आप प्यार में पागल हो गया। अरे बे नल्ले, वो तू चूती है, तू पढ़ाई कर ले जाके, तू किसी काम का नहीं है। तूने अपने बाप की वो रात खराब कर दी यार। अंकल को पता था ना, उस रात का नतीजा ये चूतर निकलेगा। क्या नाम है इसका? सलाम थुसान 17। अरे भाई तू क्या लूला आदमी है, कमेंट कर रहा है, ईमानदारी से सही तो लिख ले। बेवकूफ का बच्चा, कोई सुन नहीं रहा। आप कितनी अच्छी दिख रही हो निधि मैम, आप मुझसे दोस्ती करो ना। छा गए मैम। मैम ने 50 मार ली, क्या कम बोलो मैं। छा गए मैम क्या होता है? एक छोटी सी बात ही तो बताइए। पहले तो कोई पूछता नहीं था, अब अभी सच आप बात बताइए। अभी टीवी चैनल पे एक आते हैं, एस्ट्रोलॉजर आते हैं, आज का हम बासी फल बताएंगे, कौन देखना चाहेगा उनको? करके साले लंबे बालों वाली कैटरीना कैफ, तू क्यों हंस रही है काले कपड़ों में? टोक उसको, गलत बात कर रही है। एक तो लौंडे टोक नहीं रहे भाई, सुंदरता के आगे पिघल पता ही क्यों जा रहे हैं। सुंदर लौंडिया कुछ भी बोलते हैं, इनसे रेजिस्ट ही नहीं हो रहा, फिर कद्दू का बनोगे तुम अल्फा मेल। अबे वो बोल रही है कि कौन ऐसे बंदों की एस्ट्रोलॉजी सुनना चाहेगा, वो जो टीवी पर आते हैं, आज का राशिफल ये है वो है, आंटी अंकल, उनका ही तो सुनना है क्योंकि उनके पास नॉलेज है भर भर के। उनका फोकस नहीं है आड़ी टेढ़ी साड़ियां पहनकर सिर्फ बकचोदी करना, वो प्योर नॉलेज देते हैं, प्योर एस्ट्रोलॉजी तुम्हें बता रहे, राशिफल जो भी टैरो कार्ड्स वगैरह पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ नॉलेज है। कुछ भी। निधि जी का कहना है कि उनकी कौन सुनना चाहेगा, मैं सुनाती हूँ ना असली वाली। तब देखो यूथ का इंटरेस्ट भी आ रहा है, क्यों देखते ना वायरल करते हैं मेरी वीडियोस को। कद्दू का इंटरेस्ट आ रहा है यूथ, उनको एस्ट्रोलॉजी में तो है ही नहीं, उनकी बायोलॉजी मस्त कर दी आपने। ये बहुत सैड बात है हम लोगों के लिए, पता है क्यों? क्योंकि सही बात, टीवी पर वो जो आ रहे हैं अंकल बूढ़े वाड़े, अच्छी खासी नॉलेज देकर जा रहे हैं, किसी को देखना ही नहीं है, वो अच्छे नहीं दिख रहे ना, अपीलिंग से नहीं दिख रहे, अंकल है बूढ़े हैं ये वो, बस उनके पास नॉलेज है पूरी की पूरी, इनको सुननी नहीं। वही दूसरी साइड निधि जी आ गई, मस्त आड़ी टेढ़ी साड़ी पहनी है, एस्ट्रोलॉजी इन्होंने यहाँ पर भी ये पूरे इसको चढ़ा दिया हवा में। और इसमें ना मेरे को बहुत बड़ी साजिश लगती है ये साले इंस्टाग्राम में सोशल मीडिया की, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं कोई आर्टिकल पढ़ा था, पता नहीं मेरे किसी दोस्त ने बताया था मेरे को, कि ये साले जानबूझ के ना हमको इस टाइप का ही कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स बाहर के हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये साला जक्कू ने खरीद रखे हैं। इनों की स्ट्रेटजी है ये, हम लोगों की फीड में यही सब दिखाई जा रहे, ताकि हमारा यूथ लगा हुआ है घंटों तक, एक अच्छी आधी कपड़ों में लड़की दिख गई, दूसरी और आधे कपड़ों में लड़की दिख गई, ये दिख रहा है। इसके बाबू अगर वो साला थोड़ा सा भटकने की कोशिश करता है, कैटरीना कैफ दिखा देंगे, भेड़ की कैटरीना छोड़ दो, अजीब अजीब सी चीजें जिससे काम वासना बढ़ रही है उनकी, यही दिखाई जा रही है ये, ताकि हमारा यूथ तो लगा रहा है इसी चीज में। वही मेरे ख्याल से चाइना में ना ये सब चीजें बैन है, टिकटॉक के अंदर वो नहीं अलाउ कर रहे, वो वहां सिर्फ एजुकेशनल कॉन्टेंट ही दिखा रहे हैं टिकटॉक के अंदर, ताकि उनका यूथ पढ़ लिख के आगे बढ़े। बहुत डीप चीजें भाई ये, सच बता रहा हूँ, और ये बड़े लेवल पर मस्त हो रही है। नमक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने के लिए। ये साड़ी का पल्लू का रोल क्या लाइफ में, क्योंकि यहाँ से तो कुछ नहीं है और यहाँ पर भी बस हल्का सा अटका है, और जिस चीज को छुपाने के लिए वो उस काम तो आ ही नहीं रहा। मेरे हिसाब से तो साड़ी जब इन्वेंट हुई होगी तो उसको इसीलिए बनाया हुआ था, थोड़ा अच्छे से सब कुछ हमारे इंडियन कल्चर में तो आई गैस ऐसी पहने जाती है साड़ी की, सब कुछ छुप जाए, लेकिन नहीं। तुम्हें पता सबसे अजीब बात क्या है, कि निधि जी ये जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान पेल रही है, कोई कोर्स वोर्स नहीं किया इन्होंने, कोई पढ़ाई नहीं की एस्ट्रोलॉजी की, बस ऐसे ही बाय पेशा तो मेरे ख्याल लॉयर है, उसके बाद नजर आया जी पिंटरेस्ट वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे दो चार कोर्स पढ़ लिए, वही एस्ट्रोलॉजी वाले वही पढ़ पुढ़ के यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी, वही ज्ञान यहाँ पेल दिया साड़ी पहन के। अच्छा बात नहीं है। एनीवेज ये सब देखने को मिलेगा तुम्हें एस्ट्रोलॉजी अच्छी अच्छी निधि जी के द्वारा। तो अगर तुम्हारा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आ जाओ भाई, देखो दबा के निधि मैम की एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस, जिन्होंने खुद ने कोई कोर्स नहीं किया हुआ है। बाकी अगर तुम्हारा सही वाली एस्ट्रोलॉजी सीखने का मन है तो भैया और भी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बंदे मिल जाएंगे, तो वहाँ से सीखो, यहाँ तुम सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे, यहाँ तुम्हारा ध्यान तुम्हें पता कहाँ रहेगा, और एट द एंड तुम एस्ट्रोलॉजी तो नहीं सीखोगे, अपनी बायोलॉजी मस्त करके निकल लोगे बाथरूम की तरफ, यही होना इधर, बढ़ा रहे अपने फॉलोवर, जब आपको दिक्कत नहीं तो हमें क्या। बाकी आज तरह मुस्कुराते रहो गाइस, अपने परिवार का ध्यान रखो, एंड लाइव पे मिलते हैं फिर शाम को, है ना, लाइव आता हूँ मैं चैनल पर, तुम्हें पता ही है रात को डेली 8 के अराउंड, तो ज्वाइन कर लिया करो। नहीं नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।